हेलो गाइस, माय नेम इज ऋतिक एंड यू आर वाचिंग फॉलो द ब्लूज। तो ऑस्ट्रेलिया की कमेंट्री टीम ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को कहा है कैंटीन का स्टाफ और वेटर, क्या है पूरी बात? अगर इस बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच यानी कि मेलबर्न टेस्ट चल रहा है। उस टेस्ट मैच की शुरुआत में मयंक अग्रवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेबिट पे अर्धशतक लगाया और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की कमेंट्री टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के ऊपर मजाक उड़ाती जा रही है। मयंक अग्रवाल रणजी ट्रॉफी में तीसरा शतक भी लगा चुके हैं। शेन वॉन और कुमार हेवर के साथ कमेंट्री करते हुए कैरी ओकीफ ने कहा कि मयंक अग्रवाल का तीसरा शतक कैंटीन के स्टाफ और वेटर के सामने आया हो वैसा था। इस बयान के अनुसार उनका सीधा इशारा है कि वो रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ियों को कैंटीन के स्टाफ और वेटर की तरह मानते हैं। टीम इंडिया के क्रिकेटरों का इस तरह से मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं होती, ये टीम इंडिया को बेइज्जत करने वाली बात होती है। ऐसी बातें सीधा टीम इंडिया के घरेलू क्रिकेट पे सवाल उठाती है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मार्क वॉ भी कह चुके हैं कि मयंक अग्रवाल की भारत में 50 की औसत ऑस्ट्रेलिया में 40 की बराबर है। कंगारू खिलाड़ियों और स्टाफ को भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत में कमी नजर आती है। वे भारतीय खिलाड़ियों को ऑन एयर लाइव कमेंट्री में भी ऐसी चीजें बोलते रहते हैं जो सरासर अनुचित है। 27 वर्षीय मयंक अग्रवाल कर्नाटक के लिए खेलते हैं। प्रथम श्रेणी में लिस्ट मिलाकर उनका औसत 50 का है। इस तरह मयंक अग्रवाल का मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। मयंक अग्रवाल ने टेस्ट डेबिट करते हुए भी 76 रनों की बड़ी पारी खेल दी है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों टीम इंडिया के घरेलू क्रिकेट पर और मयंक अग्रवाल के बारे में ये सब बोल जाते हैं कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी बयानबाजी करना सरासर गलत है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की असली करतूत। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।